हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वव्यापी हमारे शिव भगवान है और देवों की रक्षा करने के समय को कहते हैं प्रदोष काल। अगर कोई दोषी है तो मानो गलत किया है। प्रदोष का मतलब है निर्दोष, और इसीलिए किसी भी दोष के समय सर्वेश्वर की आराधना करेंगे तो दोष दूर होगा। क्यों बहन, अब तुम्हारा पति ठीक है ना? अब तुम्हारा पति ठीक ठाक है ना? अरे शंकर पंडित जी बुला रहे हैं। अगले महीने महाअभिषेक है, आ जाना। मामांके च विभाति भूधर सुधा देवा पगा मस्तके आले वाल विदुर्गले च गरलम यस्यो रसि व्यालराय गौरी शंकर उमापति महादेव जय 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 महाकालेश्वर। जल्दी उठो, तुम्हारी बीवी आ गई। चलती हूँ। Ah!
प्रोफेशन अफेंडिक्स एक्ट के मुताबिक दफा 302 के तहत ये अदालत नंदा को सजा सुनाती है। उसे बाल सुधार केंद्र में अपनी ये सजा बिताने के लिए हुक्म देती है।
माँ। साल हो गए तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं कितना रोता था पता है? कौन है माँ? एकदम पागल है, बेकार आदमी है। बेकार की बात मत करो पांडे। नमस्ते पांडे। हाँ। ये केस कोई मामूली केस नहीं है। लंगल पांडे जा जा बुला रहे। अरे आता हूँ यार। लंगल पांडे। हाँ। लंगल पांडे। हाँ। लंगल पांडे। हाँ। नमस्कार। कई बार बोला सबको ही बोला, आज भी बोलता हूँ। साइलेंस 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 हो जाओ सब। ये कैसा केस है? अरे बैठना, खुद को बड़ा वकील समझता है। मैं बताता हूँ ना, एक साइकिल पे हाथ साफ किया, वो भी एक लड़की की साइकिल थी। उसके केस में 4 महीने से लगातार तारीख पे तारीख दे रहे हैं। ये अदालत है, यहाँ ऐसा मत कहो। ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा। अगर दोबारा ऐसी बात कही तो पागलों के अस्पताल भिजवा दूंगा। अरे रे रे रे, बजी राधा के लिए बंसी, बर्बाद कर दिया रे। देखो ये टाइपिस्ट कैसे हंस रही है। योर ऑनर, मुजरिम के ऊपर ऐसे 18 केस हैं, उनमें 4 साबित हो चुके हैं और दूसरों की अभी सुनवाई बाकी है। यस योर ऑनर, हिसाब से देखा जाए 18 केस, लेकिन 4 में फैसला मेरी तरफ आया, बाकियों के लिए जिम्मेदार है ये एलेक्स पांडे। इसके ऊपर केस चलाइए। आप पानी पीजिए, आपको भला कौन रोक सकता है? पानी पी लिया ना, अब मेरी बात पर आइए। अगर वो कोई तगड़ा केस होता तो कोई बात नहीं थी, किसी का लहंगा चोरी हो गया तो उसके लिए भी मुझे पकड़ लिया। अब आप ही बताइए योर ऑनर, उस लहंगे को लेकर मैं क्या करूंगा? ऐसे केसों के कारण मेरी तो इमेज ही खराब हो गई है। लगता है बात बन गई। जुर्म कबूल करते हो? हाँ कबूल करता हूँ। 6 महीने जेल की सजा या 5,000 का फाइन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 3,000 रुपए, कुल मिलाकर 8,000। योर ऑनर, पैसा भरते हो या जेल जाओगे? पढ़ाई के दौरान अगर मुझे 4 महीने तक इधर उधर नहीं घुमाया होता, खैर मेरे बदले ये भर देंगे। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला। मेरे दोस्त, खैर छोड़, उसके बारे में चिंता मत कर, भूल जा। तेरी चिंता करने के लिए माँ है, हम जैसों की चिंता भला कौन करेगा। हर चीज का एक समय होता है। 20-30 साल जेल में रहने के बाद लोग मंत्री नहीं बनते। उसका एक नाम था जो दिखने में बिल्कुल हमारे जैसा ही लगता था, मंडेला। हाँ, तू भी पढ़ लिख कर उसी के जैसा बड़ा आदमी बन सकता है, तब तुझे सब मिल जाएंगे। मेरिट में अच्छे नंबर लिए हैं, गुड। तुमने पढ़ाई कहाँ की? यहीं की है सर। यहाँ कहाँ? यहीं माइनर जेल में। दूसरे शहर में कितने अच्छे कॉलेजेस हैं, वहां जाके ज्वाइन हो सकते हो ना। बाहर जाके क्यों पढ़ूं, ये मेरा ही गांव है। तुम एक काम करो, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं, मैं मुखिया जी को फोन पे बता दूंगा, तुम उनसे जाके मिल लो प्लीज। वो कौन है? वही सब कुछ है। आशा जी। पिताजी, तुम्हारा पति कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। सुनिए पिताजी, आपको बुला रहे हैं। आता हूँ। मीनाक्षी दमयंती, चलो यूनिफॉर्म पहन लो, स्कूल का टाइम हो गया है। मुखिया जी से मिलना है। कोई स्लिप है? अरे उन्होंने ही बुलाया है। हटो हटो, गाड़ी गाड़ी खोलो खोलो खोलो। कम इन सर। हेलो, ये नए कलेक्टर हैं। नमस्ते। नमस्ते। ठाकुर शेर सिंह, यहाँ जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सब इनके खानदानी जायदाद हैं। हमारा कलेक्टर ऑफिस भी। ये हैं भास्कर ठाकुर, इनके ही बेटे मुखिया हैं जिनसे हम मिलने आए हैं। इनके पास जितनी भी संपत्ति थी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। भले ही इनका अधिकार नहीं है, लेकिन लोग इनकी इज्जत आज भी वैसे ही करते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जहाँ तक इस गांव का सवाल है, हमारे सरकारी कानून से ज्यादा इन पर भरोसा किया जाता है। यहाँ जो कानून चलता है वो इनका ही है। ये यहाँ के नए कलेक्टर हैं। नमस्ते। गवर्नमेंट द्वारा एक जियो पास किया गया है। कलेक्टर ऑफिस के सामने जो राजा साहब की मूर्ति लगाई गई है, उसके बदले किसी नेता की मूर्ति लगाना चाहते हैं, इसलिए सोचा पहले ये बात आपसे बोल दूं। इसमें बोलने का क्या है? ऐसी बात नहीं है, वो आपसे छीन लिया गया था ना, इसीलिए। सुनो भैया, हमसे छीना नहीं, वो हमने ही दान में दिया है। घंटी बंद करो। घंटी बजाने से ही भगवान आएंगे क्या? उसे हटाने में कोई बात नहीं, हटा के कहां रखोगे, ये सबसे बड़ी बात निकल के आने वाली है, क्योंकि वही समस्या की जड़ होती है। अगर इसमें आपको कोई एतराज है तो हम लोग और क्या है, आप और आपसे जुड़े हुए लोग अक्सर कैंपों में जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, ये अच्छी बात है। देखिए, ये हमारे देश की सरकार का मामला है, ट्रांसिट कैंपों की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। एक मिनट, क्या ट्रांसिट? कौन से युग में रह रहे हो? इट्स अ रिपेट्री आर्ट्स कैंप, लोगों में जीने की चाह जगाने वाला कैंप। जी हाँ, वहां जाने के लिए प्रॉपर परमिशन चाहिए, उसके लिए एक लेटर लिखकर देना काफी होगा। यानी अपने जान पहचान वालों की मदद करने के लिए अनुमति दीजिए, ऐसा मुझे सरकार से कहना होगा? ये तो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए है। लिख कर दे दो। सॉरी, वी आर बॉदरिंग यू टू मच। हम्म।
तू कहाँ का कलेक्टर है? प्रिंसिपल ने कहा आपसे मिलूं। अच्छा पढ़ने वाला है, सीट नहीं दे रहे। तू कौन है? माइनर जेल में पढ़ाई करने से सीट नहीं दोगे क्या? किसने कहा? इसीलिए तो वो बनवाया है। कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं बोल दूंगा, जाओ। अरे ओ भाई, ये इधर आ। नया है भैये, क्या हो गया इसको? नाम क्या है भैये? नंदा। तो बैठ ना। दम मारता है ना? क्या? मेरी आदत नहीं है। तो आदत डाल लेना। तू कहे तो मैं तुझे सिखाता हूं। ऐसे ले, खींच। अरे यार, मैं कह रहा हूं खींच लेना। अबे खींच ना। ए अजीत, पार्टी ऑफिस में झगड़ा हो गया है, बॉस ने अभी तुम्हें बुलाया है। तुझे आके देखता हूँ। जानती हो मैं कौन हूँ? कौन हूँ? जानती हूँ। किस क्लास में पढ़ती है? 8B। नहीं चाहिए। क्यों? मुझे डर लगता है। भैया नहीं हूँ क्या तेरा? चित्रा क्लास में नहीं जा रही है? मिस डांटेंगी, मैं जा रही हूँ। अरे ये क्या यार, एक भी पैंट शर्ट नहीं पहनती है, सब के सब लहंगे में आ जाते हैं। छी, तो कुत्ते को कहते हैं ना। मैं क्या कुत्ता हूं? अगर मैं कुत्ता हूं तो तू क्या है? हा? हा? तुझे देखकर एक बात याद आती है, बताऊं क्या बात है? छोड़ो मुझे। चुम्मा ले इसका। क्या है बे? हैं? बात नहीं मानता है? शर्म आती है? अबे जाना। देखो तो इसे, क्या है?
कौन है ये? नंदा, बचपन में ही बाप को मार के जेल गया था। ये किसको बुलाया है? नंदा, बहुत गुस्से वाला। बचपन में ही बाप को मार के जेल जाना पड़ा। यहां के हीरो बनना चाहते हो? तुम्हारा नाम सुनकर सब डरने चाहिए, यही तुम चाहते हो ना? बिल्कुल सही सोचा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डर होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के बीच नहीं। पढ़ाई करने की उम्र में छोटे मोटे झगड़े हुआ करते हैं। क्या यह ठीक होगा? होना चाहिए, जो रास्ता चुना है वो सही है। लेकिन ये कॉलेज यहां से हटाने पर तुम क्या करोगे? खाना खाया? आशा जी, पिताजी खाना खाओ।
तेरी इतनी हिम्मत के बीच रोड में खड़ा। श्रीलंका वाले सैकड़ों की संख्या में शरणार्थियों को लाकर डालकर चले गए। सारे लोग बेचारे भूख से तड़प रहे हैं। और वो अधिकारी लोग सब क्या कर रहे हैं? हेलो, नेवल हेडक्वार्टर। उन्हें बोला कि नहीं? बोला, मगर कोई नहीं जा रहा है। बाद इंटरनेशनल लेवल का बॉर्डर शुरू होता है। That is very dangerous zone. मुखिया जी को पता चलते वो वहाँ के लिए निकल गए, ऐसा मैसेज आया है। What? ये बात ठीक नहीं है। आखिर हम लोग यहाँ किस लिए हैं? बेकार की बातें मत कीजिए। केंद्र सरकार से ऑर्डर आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। जस्ट चेक वेदर दे आर कमिंग बॉर्डर और ईबीएम। यस सर। नमस्ते। हाँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। इनका दुख देखकर बर्दाश्त नहीं होता है। इनकी परेशानी के लिए जब फोन करता हूँ तो सब लोग रूल्स की बात करते हैं। तुम यहाँ आ रहे हो ये मैंने सुना और मैं समझ गया सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। मैं धन्यवाद नहीं कहूँगा, ये तुम्हारा फर्ज है और आपके भरोसे ही तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। ए, बैरा लोग को 3-4 में जो तंबू बांधा है वहाँ पर चले जाना। फाइन, मुंह खोलो, आ करो, जीप निकालो, निकालो, हाँ ले जाओ इसे। नाम क्या है? कल्याणी। तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप हैं क्या? कोई नहीं है। ठीक है, साइन करो। चेकअप करा लो। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी और जल्दी, जल्दी चलो, जल्दी चलो।
अगर कोई जोर से भी चीखे तो मेरी बेटी घबरा जाती है। जरा इसका चेहरा तो देखिए, क्या इसने जानबूझकर किया होगा? आप खुद ही सोचिए। हे भगवान, ये सब क्या है? एक लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई और कल कोर्ट में अगर कोई केस चलने लगा तो आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। कोई गवाह है? कोई नहीं है। गवाह तो कोई नहीं है, फिर भी कोई खड़ा हो गया तो क्या करोगे? सर छोरी, कुछ भी नहीं हुआ है, सब मैं देख लूंगा, ले जाओ इसे। हिम्मत रखो। क्या बात है, मैं पूछता हूँ। सुनो, तुम लोग शांत हो जाओ। क्यों बहन, तुम भील समूह की हो ना? जी हाँ। किसी की पहचान करनी है, जरा मुर्दा घर जाकर आओ। अरे घबराओ नहीं, किसी की पहचान कराने के लिए ये लोग आए हैं। कहीं वो तुम्हारे समूह का तो नहीं है? इन लोगों को ऐसा शक है। हवालदार जी, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? डरिए मत, आ जाइए। पता नहीं इन्होंने कौन से पाप किए हैं जो मुर्दे बन के पड़े हैं और इन मुर्दों के साथ में मुझे रहना पड़ता है। हाँ, रोजाना मुर्दे देख देख कर मेरी हालत खराब होती है। घबराओ नहीं, मैं हूँ, हवलदार जी हैं। देखा, अपने अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, एक लाश की तो खोपड़ी ही गायब है। कलेक्टर एक हद तक समझ गए हैं मुखिया जी की अच्छाई के बारे में। अभी जो आया है वो एक महीने के लिए काफी है। ठीक है। बोट में बिठाया, मुर्दे की तरह लेटा हुआ, और आज वो यहाँ आया और गाड़ी चला के ले गया। ओफो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ कल्याणी, सिर में दर्द है क्या? तुझे भी विश्वास नहीं है ना? मुझे तो नींद आ रही है। मैंने अगर इस सच्चाई का पता नहीं लगाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, देख लेना। हाँ, बदल लेना, CID शकुंतला रख लेना।
कल कैंप में जो सामान लेकर आया था वो कौन है पता है? नंदा, क्यों पूछ रही है? वो उसे क्यों ढूंढ रही है? उससे मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ तो पूछ लेना, अभी तो वो कैंटीन में होगा, ऐसे ही पैदल चल के उसके पास चलें। हाँ, कम क्या हुआ, चला नहीं जा रहा है? ए ऑटो, ए चला गया। तुम्हारा नाम क्या है भैया? लगड़ सिंह पांडे। ऐसा नाम क्यों है? मैं लगड़ा जो हूँ, लोगों का सामान चुराता हूँ, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है, मार मार के लगड़ा कर देते हैं। ये भी एक तरह से मेरे लिए अवार्ड है, तुम मत डरो। वैसे नाम क्या है? कल्याणी। हाँ ठीक है ठीक है। उसने कहा तुम्हारा दोस्त है? अरे मेरा यहाँ कौन दोस्त है, मैं आज ही यहाँ बदली होकर आया हूँ। हाँ लो, उसका कॉलेज आ गया, अभी जाके उससे मिल लेंगे, चलो जल्दी आ जाओ। कल्याणी कम कम। मेरी जान पहचान की है, जो पूछना है पूछ लो, आ जाओ तुम लोग, आ जाओ आ जाओ। बैठ जा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही पानी। बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? मैं क्या भूत हूँ? नहीं नहीं, तुम्हारा कोई जुड़वा है क्या, तुम्हारे जैसा ही? नहीं। तुम्हारे जैसा ही? दो आंखें, मूंछें, दो कान, नाक, मुंह, ये सब क्या है? नहीं नहीं, मैंने खुद देखा। तुमने कैंप में देखा होगा? वहां नहीं देखा। फिर मौज मुर्दा घर में, वहां सोने में तुम्हें डर नहीं लगता है? वहां जाने पर तो मुझे बहुत डर लगा, वहां बहुत ठंडी थी। उसके बाद मैंने तुम्हें जिंदा देखा, मेरी तो नींद ही उड़ गई। लंगड़। हाँ। तो इसे यहाँ क्यों लेकर आया? ले जा इसे यहाँ से, अगर दोबारा लाया। अच्छा, मुझे मार खिलाने के लिए यहाँ लाई थी क्या? बहुत जोर से मारा। लो, हम लोग यहाँ पहुँच गए। हे आ जाओ, सीआईडी वाली आ गई है। तुम्हारी सहेली आई क्या? उसके बारे में ज्यादा मत सोचना। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने उन्हें ही देखा था। तूने पूछ लिया ना, उनसे जवाब मिल गया ना? तुम कौन हो? ब्रदर, ओनली फॉर कल्याणी। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम पांडे, लंगड़ पांडे। आई नो दिस खेल, आई प्ले दिस खेल। कहो तो खेल के दिखाऊं। थोपड़ा देखा है? ओके बाय बाय सहेलियों। तू चाहती क्या है?
तुझसे ही पूछ रहा हूँ। ए, तू रो क्यों रही है? मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। कैंप में जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, सच्चाई मेरी समझ में नहीं आ रही है। ए, चुप कर। वहां कौन था जानना चाहती है, इतना ही ना? हाँ मैं ही था। इतना काफी है? ऐसा क्यों किया ये नहीं बताया? एक लड़की की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा किया। अब इससे ज्यादा कुछ मत पूछना। उसने दो आंसू क्या बहाए, तूने सबका सब उगल दिया, ये सब क्या है? चल भाग। जब यही बात मैंने पूछी थी तो बताया नहीं। ला 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 ला। और कितने दिन मुझसे मुंह फेरेगी माँ? मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझसे तेरा ये रूठना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तूने ही मुझे जन्मा, लेकिन इतने सालों तक एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। तू आएगी सोचकर मैं कितना इंतजार करता था पता है? तेरी खबर जानने के लिए मैं कितना तड़पता था पता है? अगर मुझसे इतनी नफरत करती है तो मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था ना? मैंने क्या जानबूझ के किया? एक ही मार से वो मर जाएगा, मुझे क्या पता था? मुझे देख के डरती क्यों है? भैया हूँ। भैया बोल के बुला, कुछ चाहिए तो मुझसे बोलना। क्या हुआ माँ, क्या ये मेरी बहन नहीं है? मैं तेरा बेटा नहीं हूं? तेरे साथ ही रहना चाहता हूं माँ, मुझे अलग मत करना। क्या हुआ, छूने से क्या होगा? छू मुझे माँ, छू ना मुझे, प्यार कर, प्यार करना। मेरी शक्ल से नफरत करती है ना? करती है ना माँ? मैं तुझे बहुत चाहता हूं, मुझे और क्या चाहिए? तेरे हाथों एक वक्त का खाना। खिलाना माँ, बस यही तो चाहता हूँ, इससे ज्यादा और क्या चाहता हूँ? बता, बता दे इस गूंगी को, मेरे से ये इतना नफरत क्यों करती है?
तेरी गोद में सोना चाहता हूँ माँ। चल रे नौजवान चल चल। ओ हो नायर, आई कम टू द कंक्लूशन। टिंक चिक्का चाइना ला 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 ला। हेलो चाणक्य ट्रेवल्स। चाणक्य टॉकिंग फ्रॉम नायर हाउस। घर खाली करना है और इन सामान के लिए एक टेम्पो की जरूरत है। एड्रेस बताइए सर। जब जज का घर पता नहीं तो ट्रेवल्स क्यों चला रहे हो? पीछे पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ एक इंस्पेक्टर होगा, उससे जाके पूछो, बताएगा। चाणक्य ट्रेवल्स। कृष्ण जी कृष्ण जी जय तुम्हारी, बोल कृष्ण जी ला ला ला। या ऐसी महारानी का बेटा निकला ये। कौन है रे भैया तू? फिर क्या हुआ, तुम फंस गए क्या? क्या फंसूंगा मैं? फौरन मैंने एक ड्रामा कर दिया। तुम अच्छी तो हो मामी जी, जरा हाथ लगाना। अरे ऐसे क्या देख रही हो, जरा नीचे तो उतारो। धीरे से। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है मामी, साहब को ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। साहब आज जैसे ही कोर्ट में दाखिल हुए, एक तार आया, तुम्हारी सूरत में बदली कर दिया है, तुरंत आके ज्वाइन करो। उनका दिल मानो टूट सा गया। क्यों नहीं टूटेगा, इतने सालों से वो यहाँ पर जो रहे हैं, अब अचानक जाने को बोला। देखो थाने में बोल के गाड़ी भिजवाई है, मुझे सब समझा के वो यहाँ से चले गए। क्यों रे, किसने भिजवाई? इंस्पेक्टर ने। मैंने भी उनसे कहा, इतने सालों तक रहने के बाद बिना बोले जाओगे तो मामी क्या सोचेगी। चल हट पागल कहीं के।
उन्होंने जिस तरह से मुझे डांटा, मेरी आंखों से तो आंसू निकलने लग गए। उसके बाद मैंने कंपल नहीं किया। तुम्हारे हाथों से कॉफी पीते थे, कम से कम बोलते तो सही। एक कॉफी पिला दो ना मम्मी, पेट एकदम खाली है। ठीक है, तू यही रहे, ओनली 2 मिनट्स, अभी लाती हूँ। भैया फिल्टर कॉफी? अरे ये ब्रू है। टाटा, बाय, सी यू, थैंक यू मम्मी। हंसलो हंसलो, मैंने बहुत दिनों के बाद तुम्हारी ये हंसी देखी है। क्या चाहिए तुझे? तुझे से पूछ रहा हूं ना। ए ए, तू रो क्यों रही है? मैं जान पूछ के नहीं रो रही हूँ। ए, चुप कर। वो कौन था, तू यही जानना चाहती है? बस इतना ही ना? वो मैं ही था, इतना काफी है? काफी, काफी है, है, काफी है। है। हे भगवान, जानता था, अब क्या चाहिए? भैया। कौन? लंगड़ भैया है क्या? हाय कल्याणी, अचानक इस महल में सुबह सुबह आ गई हो। हाल चाल तो सब ठीक है ना? बाबा, पिताजी, माँ और मामी और सहेलियाँ, ये सब ठीक है ना? अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ खाया? खाओगी? नमस्ते। इसके साथ बलात्कार हुआ है। सर मैंने बहुत पूछा, कम से कम आप बताइए ये किसने किया, बोलिए। बोल दो तो सर, ये केस दूसरों की तरह नहीं है, क्लियर एविडेंस है। कम से कम 7 साल की सजा होगी। पागलों सी बातें मत करो। 7 साल? किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाले को तुम ये सजा दिला रहे हो, है ना? तुम सजा दिलाओगे, वो नेता की सिफारिश पे अपने जन्मदिन पर बाहर आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। जेल के अंदर 3 टाइम पेट भर खा के वो अपना अगला शिकार पकड़ने के लिए जेल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो सोचेगा उसका बाप कोई नहीं देख रहा है। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। चलो रे, चलो। Thank you.
कानून चाहे कुछ भी कहे, किसी को सौंप नहीं सकता हूं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं, वारंट पेंडिंग है, कोर्ट में मुझे जवाब देना पड़ेगा। ऊपर से ये क्रूशियल मैटर है, मीडिया वालों ने इसे और उछाल दिया है। ज्यादा कुछ नहीं, सरेंडर करा दीजिए। आप तो जानते ही है ना, ये केस टिकेगा नहीं। 15 दिन रिमांड में रहना काफी होगा। तुम्हें एक आदमी चाहिए ना, ठीक है उसे ले जाओ। दरअसल मुखिया जी। अरे क्या मुखिया जी, इसे क्या समझा है? चलो पीछे चलो, पीछे चलो, चलो लाइन में लगो। आगे जाओ। हाँ, बीच में, बीच में। ए तू यहाँ कहाँ आ रहा है, उधर चल। हाँ ठीक से लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में पीछे से लाइन में खड़े हो जाओ। एक एक करके जाओ, एक एक करके जाओ। एम आई चल नीचे, चल नीचे। अरे नीचे जाना, जा नीचे। ए क्या हो रहा है? Thank you.
ए, ले ये गुड़िया बाहर रख। नमस्ते 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 नमस्ते। तेरे से भी अच्छा घर मैं बनाती हूँ। हे हाँ, तेरा वो आया है? अरे नहीं छोड़ना, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, कसम से। हाँ चल 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 ना। आपकी बेटी मुझे अपने लड़के के लिए चाहिए, इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं? नो नो, इनफैक्ट यहाँ वालों को अगर कोई नौकरी भी मिलती है तो वी डोंट। अरे इसमें क्या परेशानी है, मैं मन पूर्वक कह रहा हूँ, मुझे मंजूर है, हमारी ये बेटी अब इस राज्य की बहू बनेगी। हे जाना, बुला रहे, जल्दी जा, अब जाना। खड़ी क्यों है, जाना। ये रिश्ता मंजूर है ना? जल्दी पैर पड़ जा। तुम्हारा बेटा इससे शादी करने वाला है, नाम है कल्याणी। मुझे अभी जाके माजी से मिलना है बोल के एक पैर पे खड़ी थी, तो मैंने कहा शुभकामना में देरी क्यों, और मैं यहाँ इसे लेकर आ गया। ठीक है, बहू को आशीर्वाद दो ना। चित्रा कुमकुम कहाँ रखा है? हाँ वहाँ। मेरी प्यारी बहनी बनने की दुल्हन। माँ तो ऐसी है, तुम चाय कॉफी कुछ पियोगी या कुछ ठंडा वगैरह? अपने बेटे को तो छुप के देखती हो, अब बहू को भी आओ, आ जाओ, आओ देखो, ठीक से देखो। बताओ बहू कैसी लगी, पूरे खानदान में ऐसा कलर देखा है क्या? दोनों की जल्दी शादी करवा के इन्हें अपने पास में ही रखोगे ना? तुम रानी एलिजाबेथ की तरह पांव पे पांव रखे आराम से बैठना, ये सब छोड़ के दूर से छिप छिप के देखा करती हो, इसीलिए तो तुम्हारा नंदा सब लोगों से नफरत करने लगा है, और ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। खैर वो सब छोड़ो, इसके शगुन का कुमकुम लगाओ। लगाओ ना माँ। कड़प में सेना के साथ लोगों की मुठभेड़ जारी है, यहाँ तक कि हवाई हमला भी किया जा रहा है। परिवान जी कुड़ी और उसके आसपास के इलाके में जान माल का भारी नुकसान हुआ है, काफी लोग घर से बेघर हो गए हैं, यहाँ तक कि बमबारी के कारण सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, इसमें करीब करीब 100 से ऊपर लोगों की जानें जा चुकी हैं और 500 से अधिक जख्मी हालत में हैं, उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने गहरा शोक जताया है। इसी के साथ विशेष समाचार समाप्त, अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। आज वहाँ पे क्या हो रहा है तुम अच्छी तरह जानते हो, पता नहीं कहां कहां से आकर जनता इन लोगों की सहायता कर रही है, अपना सब कुछ खोकर बिल्कुल बेसहारा बनकर यहां आते हैं और तुम उनकी मदद करते हो। आह, तुम्हारी यही अच्छाई तो मुझे भाती है। काम की बात पे आई है ना, अब इस समस्या का अंत होना चाहिए, सब लोग यही तो चाहते हैं। ये आजकल की बात नहीं है, बेसहारा भूखे लोगों को देखकर बहुत दुख होता है, इसका अंत होना चाहिए।
और इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। सही कहा, एकदम सही कहा। तुम्हारी तरह इस समस्या में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस, नेवी, कस्टम वगैरह, इनकी प्रॉब्लम ज्यादा हो गई हैं। यहाँ तुम्हारी इज्जत और मर्यादा को सब लोग जानते हैं, सब लोग तुम्हारी बात को मानते हैं, लेकिन मुझे चाहिए एक जगह। अगर वो तुम्हारी जगह होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं है? चिंता है ना, और ये चिंता सब लोगों को है। इतना सब बोल रहे हो, मैंने एक जगह मांगी है, ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी जगह पे रख कर बाद में उठा लूंगा, बस इतना ही। यहां से कभी कोई खाली नहीं जाता है। हर मांगने वाले की इच्छा तुम पूरी करते हो सुना है, उसी का एहसास दिलाकर तुमसे विनती करने के लिए यहाँ आया हूँ। बात सुनो, तुम मुझे ये जो एहसास की बात समझा रहे हो ना, उसका मुझे तुमसे ज्यादा एहसास है। जो जान बचाने के लिए यहाँ आते हैं ना, मैं उनकी मदद करता हूँ। कानून बीच में आता है तो सामना करता हूँ। ना ही मैं कोई स्मगलर हूँ और ना ही कोई देशद्रोही। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जरा सा सोच कर देखो ना, माँ बेटा भले ही एक हों, हाथ और मुंह अलग अलग होते हैं ना। मेरे भी एक से दो परिवार हैं। चार पैसे हों तो ही इज्जत होती है। सब तुम्हारी तरह हो सकते हैं क्या? खड़ा हो जा। उठ खड़ा। इसकी आड़ में अगर तूने कमाने की कोशिश की तो जमीन में गाड़ दूंगा। बाहर निकालो इसे। अकाल मृत्यु, पितृपिंड दान नहीं हुआ, इसी कारण आज ये दुर्दशा है आपकी। सिद्ध यक्षक नाग राक्षस अस्मत पित्रोन सदा नमस्तर्पयामि। मृत्यु पाने वाले की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, तर्पण तिथि विधि विधान से होनी चाहिए, ये पुत्र का कर्तव्य है। यदि ये सब नहीं होता है तो इसके कारण दैहिक दैविक भौतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये सत्य है। इसलिए मेरी सलाह है कि शीघ्र ही उनका पिंडदान होना चाहिए। कार्तिक मास के सातवें दिन अमावस्या ही शुभ तिथि है। सूर्योदय के पश्चात सुबह 10 बजे पिंडदान करने वाले पंडे से मिलकर ये क्रिया कर दीजिए। अगर अब और देर की गई तो और हानि पहुंचेगी, यहां तक कि माँ का देहांत हो सकता है। माता और संतान सुरक्षित होंगे, गायत्री माता की कृपा होगी। इधर आओ मीनाक्षी। तुमने शराब पी हुई है, मैं नहीं आऊंगी। तेरे दादा ने शरबत कुछ ज्यादा पी लिया ना, इसीलिए तो आ ना। ए, ए, ए। शराब पीना इसे भी पसंद नहीं है। मुझे बस एक दुख है, मेरा कोई बेटा नहीं है। पर अब नहीं है। लेकर आ। बस कीजिए ना। बस करूं? बाकी बातें कल बताऊं? नहीं, ऐसी बात नहीं। जाना। मैं बहुत खुश हूं। यथा यथा हि धर्मस्य नाशय भवति भारत अभ्युक्तानाम अधर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या देख रहा है? संस्कृत में श्लोक बोल रहा हूं, यही देख रहा है? बैठ जा। इसका अर्थ क्या है पता है? इस धरती पर जब जब न्याय का गला घोट के अन्याय होने लगेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। वही अवतार है तू और मैं। हम लोगों को क्या समझ रहे हो? अवतारी पुरुष अधर्म का नाश करने वाले सभी लोग अवतार होते हैं। उसके लिए अलग से वो नीचे आएंगे।
अवतार हो तुम। अधर्म करने वाले का सर कुचल कर रख दो, तुम्हारा अंत नहीं होगा, ना ही तुम्हें कोई मार सकता है। और जब काम पूरा हो जाएगा अपने आप अंत हो जाएगा। हर पल तेरे साथ मैं हूं, साये की तरह हमेशा के लिए। समझ गया ना? जब पहले यहाँ पर आया तब तुम्हारे पति के बारे में जाना। तुम्हारा बेटा बाहर आकर पढ़ रहा है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अब वो कहाँ पे क्या कर रहा है कुछ पता है तुम्हें? मैं उसे दोष नहीं दूंगा। अगर तुमने उसे अपनी ममता दिखाई होती तो वो वहाँ क्यों जाता? तुम क्या अपना बेटा उन्हें दान में देना चाहती हो? माना कि मुखिया जी अच्छे हैं, गांव में भले काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के चारों तरफ दुश्मन भी होते हैं ना। तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है। मेरी एक मदद करनी होगी। कैसी मदद चाहिए? वो तो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता है, कम से कम तुम तो कहो। मेरा बेटा जो है मुझे जिंदा चाहिए। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मैं अपने बेटे का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। जब से वो पैदा हुआ उसने कभी खुशी नहीं देखी। वो भले ही दूर रहे, अच्छा रहना चाहिए, जिस रास्ते पर वो है उससे डर लगता है। मेरे लिए नहीं, कम से कम इन दोनों के लिए वो जिंदा रहे। सही कहा, उसे कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? मैसिव अटैक, कई जगह ब्लड क्लॉटिंग्स है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा बोल रहे हैं। अब वो खतरे से बाहर हैं, 48 घंटे आईसीयू में रहना होगा, उन्हें कोई परेशान ना करे। वहां सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओ, उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो मां की मृत्यु हो सकती है। तुम पहले वो काम देखो, यहाँ पर सब ठीक हो जाएगा। वो काम पहले किया होता तो आज ये नहीं होता।
जाओ चित्रा, जाओ ना, जाओ। टिफिन रेडी है? ये तू क्या कर रहा है? देखिए। किसने किया? क्या किसने किया? किसने किया? मुखिया जी को हार्ट अटैक हुआ था और ऑपरेशन फेल हो गया। सच बोल। क्या? क्या सच बोलूं? तेरे परिवार में एक भी नहीं बचेगा। भाग यहाँ से। जो पूछो उनके दामाद से जाके पूछ। खाना खाएगा? क्या हुआ? दारा, तो इतना डरा हुआ क्यों है? चुप रहो ना, तुम क्या जानते हो? पहले से उसने मरकर बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। और ऊपर से ये इसने तो खुलेआम तेरा नाम बता दिया है। हाँ, घर में जाकर जब कोई तुम्हारी बीवी को मारेगा ना, तब पता चलेगा। हाँ, पता चलेगा। दारा, एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा। पुलिस वाले को देख रहा है ना, उसे जाकर 4-5 घोसे मार। ड्यूटी पर पुलिस वाले को मारा बोलकर बंद करेंगे।
15 दिन तू यहाँ आराम से रहना। क्यों ठेका है ना? कुछ भी करके मरो ना। अरे दारा कैसे हो? ये क्या कर रहा है? अरे ये दारा, अरे मुझे क्यों मारा? चल चल। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे खुद पे भरोसा है। अबे जाओ ना। क्या है? यहां आना ठीक नहीं है, सिर्फ आज नहीं कभी भी ठीक नहीं। मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो। हाँ? ये जमेगा नहीं। ए, ऐसा मत कह, अनजाने में तुझसे एक बार हो गया, उसकी सजा भी होगी और अब सब कुछ ठीक होने लगा है, जरा सोच ना। एडवाइस दे रहा है? ये तो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं लूज हूं, लेकिन तुम तो सोच के देखो, तुम्हारे भरोसे माँ और चित्रा ये लोग हैं, और ये ऐसे में ये कहाँ जाएगी? अरे कहीं भी जाओ, क्या मैं अकेला मर दूँ? जाओ, किसी से भी जाके शादी कर लो। ऐसा बोले से अच्छा है कि तू ही इसे गला घोट के मार दे। अगर और थोड़ी देर यहाँ रहा तो वो भी कर दूंगा। हाँ तो मार डालो, अपनी जान बचाने के लिए इसलिए हम वहां से यहाँ आए। तू ये क्या बोल रही है? मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? तुझे कभी छुआ? तू मेरे बारे में क्या जानती है? मेरी माँ के बारे में क्या जानती है? क्यों ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा है? अगर कुछ और बोला ना तो दूसरा पैर भी ले जाए से। तेरे लिए तो मैं। अरे जाए ऐसे, चल जा। जंगली कई का अगर इसकी आय लगी तो छोड़ेगी नहीं, बर्बाद हो जाएगा तू। तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा, तू भी ऐसे ही रहेगा। ऐसा क्या हो गया? उसके ऊपर शक है इसलिए ले गए हैं। कोर्ट में जुर्म साबित नहीं होगा, अगर शक के कारण होता भी है तो 5-6 साल में छूट के आ जाएगा। तू इंतजार करेगी ना उसका? बस इतना काफी है, उसके आने के बाद ये काम और ये गांव हमें नहीं चाहिए। तू उसे आने दो,
यहाँ से किसी दूर गांव में हम लोग चले जाए। मुजरिम नंदा के ऊपर खून का इल्जाम लगाकर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। जो इल्जाम नंदा पर लगाया है उसकी शिनाख्त के लिए 7 लोगों को लाइन में खड़ा करके गवाहों से शिनाख्त कराई गई। लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि खून नंदा ने किया है और यह अदालत का अपमान है। इसलिए शक के आधार पर मुजरिम नंदा को यह अदालत बेगुनाह साबित करते हुए बाइज्जत बरी करती है। ए, गुंगी, मैंने कहा था ना छूट जाएगा, देख वो आ गया। अब क्यों ऐसे बैठी है? हम दूसरे गांव जा रहे हैं, सारा सामान बांध ले। भैया, ये सब बांध के मेरा दिमाग खराब मत करना, बोल दिया। आओ अंदर चलते हैं। आज के जमाने में ये सब ढोना जरूरी है क्या? भूख लग रही है माँ। यहां बैठना मां। भाभी तुम भी साथ में चल रही हो ना? क्या भाभी? भाभी कह के मत बुलाओ, ये सब शादी के बाद बुलाना। मेरी शादी कब होगी? वहां जाके सोचेंगे। बहुत अच्छा है।